ना समोसा ना रोल ना कबाब, बनाए कुछ लाजवाब जो खाए बिना रहा ना जाए। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आप बनाकर फ्रिज भी कर सकते हैं, और ये बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर कुछ सेकंड तक भूनेंगे, करीब 30 सेकंड तक, और इसमें डाल देंगे यहाँ पर हम चिकन। 300 ग्राम यहाँ पर चिकन लिया है जो हमने उबाल लिया था, इसको श्रेड कर लिया था, और यहाँ पर जो पानी है इसका वो आपको फेंकना नहीं है। तो चिकन को कुछ देर भूनने के बाद यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेने के बाद अब इसको मिक्स कर देंगे चिकन के साथ। 1 मिनट बाद यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। ये डालने के बाद यहाँ पर 3 टीस्पून डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 नींबू का जूस। ये सभी चीज़ें डालकर अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून चिकन स्टॉक। जब आप चिकन को उबालें तो उसका पानी को फेंकें नहीं, एक साइड रख लें और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर डाल दें। सेम पैन को अब यहाँ पर गैस के ऊपर रख देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1 कप चिकन स्टॉक, और ये डालने के बाद यहाँ पर 3/4 कप डाल देंगे हम मैदा। मैदा डालने के बाद इसे हमें तेज़ हाथों से चलाना है, और गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें लो ही रखना है, गैस को तेज़ नहीं करना है। लो फ्लेम पर चलाते हुए देखें यहाँ पर इस तरीके की कंसिस्टेंसीज की हो जाएगी, तो यहाँ पर जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे और इसको यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसका टेक्सचर जो है एकदम क्रीमी होता है, इसमें हमने कोई मेयोनीज या क्रीम वगैरह नहीं डाली है, लेकिन जब भी आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और देखें कि यहाँ पर एकदम ये ठीक इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसे एक साइड रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ही मिलाते रहें, गैस का फ्लेम तेज़ ना करें। अब यहाँ पर हमने ली है कुछ चीज़ें जिसको हमें बाइंडिंग में काम आएंगी, तो उसके लिए हमने 3 टेबल स्पून लिया है मैदा, 1/2 कप यहाँ पर लिया है हमने ब्रेड क्रम्ब, और 1 अंडा लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे दूध और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अब जो मिक्सचर है इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप चीज़ डाल देंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर भी ये काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ ली है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, लेकिन आप चीज़ डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब यहाँ पर मिक्स कर देने के बाद हाथों को हम यहाँ पर ग्रीस कर लेंगे, और ग्रीस करने के बाद जितना हमें पोर्शन चाहिए, जितना बड़ा हमें साइज़ रखना है, उस हिसाब से यहाँ पर लेंगे हम हाथों से। इसको हम गोल गोल करेंगे, इस तरीके से चिकना करेंगे, और फिर इस तरीके से लंबी शेप में इसको हम हाथों से बनाएंगे। देखें यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा क्योकेट बनकर तैयार है, जो बहुत ईजी बन जाता है, और आपके अपने चॉइस है कि आप कितना बड़ा साइज़ रखते हैं। अब इसको यहाँ पर हम पहले मैदा में कोट करेंगे, इस तरीके से अच्छी तरह से कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये अंडे का जो बैटर है इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे, और दूसरे हाथ से जो है इसको हम ब्रेड क्रम्ब को इसके ऊपर डालेंगे, और यहाँ पर ये हमारा क्योंकेट बनकर बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। और एक ही करके इसे एक ट्रे में रखते जाएंगे। सभी की रॉकेट बनकर यहाँ बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पर आप फ्रीज करना चाहते हैं इसको, तो ये ट्रे उठाकर आप फ्रीज़र में रख दें, और जब ये थोड़े फ्रीज हो जाए तो उस वक्त पर आप जो है इसे एयर टाइट कंटेनर में, जिप लॉक बैग में डालकर रख दें। जब आपको फ्राई करने हो तो आप इसे 1/2 घंटा पहले निकालें और फिर इसे फ्राई कर लें। बहुत टेस्टी बनते हैं और मेक एंड फ्रीज है ये। अब यहाँ पर हमने ऑयल गर्म किया है और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, और जब यहाँ पर ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके यहाँ पर सभी क्रॉकेट्स यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर इन्हें सिकने देंगे। डालते ही कोई भी चीज़ नहीं पलटनी चाहिए, थोड़ा आप वेट करें 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें कि ये अच्छा कलर आने लगा है, तो उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे, और इस तरीके से अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए हम इन्हें सेक लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे सभी चिकन क्रॉकेट्स बनकर तैयार हैं, जो बहुत ही ईजी बने हैं और साथ ही बहुत टेस्टी भी और क्रिस्पी। तो आप जब ही जान पाएंगे जब आप इनको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है,
आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे इंजॉय करें। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।